अलैकुम। आज हमारा फैमिली डे था क्योंकि आज हम सब बाहर निकले हुए थे। आज हमने सोचा वीकेंड है, आज हमारा वीकेंड हफ्ता है, तो मैंने बोला आज सब मैं मतलब सब हम मिल के आते हैं तो मतलब इकट्ठे टाइम स्पेंड करते हैं, कुकिंग करेंगे। अभी हम बाहर थे तो अभी हमने शॉपिंग वगैरह घूम ली है, चीज़ें ले ली हैं, तो अभी हम बस अब घर जाने लगे हैं। तो अभी आपको सारी रूटीन बताते हैं हमने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। ले आइयो, आओ ना चले। अब आ जाओ शान से। It's a fire truck, Hashi. अब ये बाइक का झूला लेने लगे हैं। पहले वो गाड़ी के पे ले रहे थे तो वो लोग इंतजार कर रहे थे कि ये उतर नहीं रहे, इनके बच्चे तो हमें भी लेना है। तो इसमें आप एक हेलो डालोगे ना तो ये पूरा एक मिनट आपको ही मतलब झूला दे सकते हैं। Hashi sit on bike. इसको देखें, ये अभी इतना शोर करता है ना कि बस ये बैठे और कोई ना बैठे। ड्राई फ्रूट्स देख लें और इनकी कीमतें देख लें, तीन तीन नैरो के हैं। ये खजूरें, ये सब ड्राई फ्रूट्स एक्सपेंसिव होते हैं, इतने भी नहीं होते, लोग लेके खाते ही रहते हैं। मैं तो हमें हर चीज़ आपको एक्सपेंसिव बताती रहती हूँ क्योंकि हम जो पाकिस्तानी होते हैं ना, वो पाकिस्तान के जो होते हैं ना, जो पाकिस्तान के पैसे होते हैं उससे ज़रा देने लग जाते हैं इधर के यूरो को। तो इसलिए कह रही, ये देखें कितना मज़े के नम 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 नम, दिल कर सब कुछ खा लूँ। पर जब हमारे घर में होता तो फिर हम खाते नहीं हैं। मुझे बस इनके नाम तो नहीं पता, इसको चना कह देती हूँ, इसका शायद बादाम है, तो ये पीनट है। तो ये भी आप देख सकते हैं सब, इतने नाम नहीं मुझे पता पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये क्या क्या चीज़ें हैं और उनकी क्या क्या प्राइस है। ये बादाम जो है वो 5 शहरों के हैं हमारे पास। ये हमारी ना ज़िंदगी ये है कि हम इधर मार्केट आते हैं और बच्चों को लेके घूमते हैं और वो तो हम कहीं जाते नहीं हैं। आप लोग सोचते होंगे रोज़ ही मैं मार्केट्स में आई होती हूँ तो मैं ये क्या दिखाती रहती हूँ। हाँ इधर आ रही हूँ तो बस हम फिर इधर ही आते हैं और तुम्हारे पास हम कहीं जाते नहीं। कौन सा हमारे को रिश्तेदार हैं या इधर कौन सा पाकिस्तानी फेस्टिवल होते हैं जिधर हमने जाना होता है। तो ये आप देख सकते हैं मज़े मज़े का फ्रूट। अभी हम कुछ लेने लगे हैं इधर से, फ्लावर्स इज़ सो गुड, फ्लावर्स इज सो ब्यूटीफुल हमेशा की तरह। तो ये मैं आपको सब फ्रूट्स अभी दिखाती हूँ। ये देखिए कितना फ्रेश फ्रूट आता है इधर इधर, इसलिए तो लोग इतने मतलब ये लोग इतने इतने साल जिंदा रहते हैं, ये लोग इतने एक्टिव होते हैं, जितने भी बूढ़े होते हैं। ये देखिए जो भी ग्रोसरी करने आए उनकी आप एज देख, लेकिन इतने लोग एक्टिव होते हैं, सारा घर का काम खुद करते हैं, कोई सर्वेंट वगैरह नहीं रखा जाता यहाँ पर। अगर कोई ज़्यादा बीमार हो तो फिर ये वेजिटेबल्स देख सकते हैं कितना मज़े का है और कितनी फ्रेश वेजिटेबल्स हैं। हम लोग तो इधर से मतलब लेते हैं, ये सबसे नज़दीक शॉप है हमारे, मतलब इधर मॉल भी बना हुआ है और ये इधर ना मतलब सब्ज़ी की शॉप भी है और फिर फ्रूट सब कुछ फिर हम इधर से लेते हैं। ये आप कैरेट्स देख सकते हैं, ये सैलड है सारा जो हम खाते हैं। तो ये आप इधर इधर से पहले लेते हैं फिर इधर आते हैं, फिर इधर मतलब नंबर करते हैं कितने के जी हुआ है तो फिर आप मतलब पे करते हैं, उनको आगे जा कर देते हैं। तो ये देखें कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ। तो ये चीज़ें जब आप ग्रीनरी देखते हैं ना तो ये आँख को बड़ी ठंडक देती है, आँखें ऐसे खुल 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 जाती हैं। ये देखो मेरी छोटी भांजी भी आई हुई है साथ में, जन्नत इधर आ जाओ, इसका नाम जन्नती है। ये पता भी लास्ट डेज में बीमार थी माशाल्लाह, अभी ये बिल्कुल ठीक ठाक है, देखे घूम भी रही है। ये देखे ये सब सैलड है, मैं आपको सब सैलड दिखाती हूँ कि हम ये कहाँ ये वाला, ये मतलब पास्ते वगैरह में यूज़ होता है। ये छोटे जो टमाटर ये लोग खाते हैं, ये मतलब सलाद जो बंद गोभी जिसको कहते हैं, ये भी टमाटर है। यहाँ पे 100 किस्म के तो टमाटर होंगे आपको, ये देखे आपको कोई 4 किस्म के टमाटर नज़र आ रहे होंगे, 2 ये और ये, और ये देखें मतलब ये आपको कितने किस्म के टमाटर अभी ये भी हैं। तो ये सब आपको टमाटर नज़र आ रहे हैं। अभी लेडी मुझे देख रही है कुछ कह ही ना दे। तो ये प्याज हैं, ये देखे प्याज कितने किस्म के, ये नीचे सिर्फ 1 2 3 4, ये देखे सब किस्म के प्याज हैं, 5 6 किस्म के, नहीं नहीं 5 6 से ज़्यादा लग रहे हैं। तो ये यहाँ के प्याज हैं और आलू भी यहाँ पे 100 किस्म के हैं, ये आप नीचे देख सकते हैं। इधर तक आलू हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 किस्म के आलू हैं इधर। बाकी ये सब योगर्ट्स वगैरह दिखाती हूँ मैं आपको आगे जा जा के। अस्सलाम वालेकुम, ये देखें आज मैंने व्लॉग के साथ आ चुकी हूँ। आज हम इधर शॉपिंग सेंटर में आए हैं
तो वैसे बच्चों को घुमाने ये हमारे पास ये छोटा सा ना, तो आप ये इनकी लाइटिंग वगैरह सब कुछ डेकोरेशन वगैरह देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत है। मैं बच्चों को भी लेके आई हूँ साथ में, तो अभी मैं आपको ऐसे ऐसे सब कुछ दिखाती हूँ। बच्चे मेरे शायद आगे चले गए हैं, उनके डैड उनके साथ हैं, अकेले नहीं भेजते बच्चों को, क्योंकि यहाँ पे बहुत माइंड किया जाता है अगर बच्चे इधर इधर हो जाए ना आपके बिना पूछे, तो इस वजह से। ये भी देख सकते हैं आप कितने खूबसूरत है बच्चों के कपड़े। अंदर मैं नहीं जाऊँगी बिल्कुल भी। हाँ जी, तो ये देखें बच्चों की न्यू जो कलेक्शन आ चुकी है कितनी खूबसूरत है। तो मैंने कहा ज़रा आपको साथ साथ चीज़ें दिखाई भी जाए ना। तो ये देखें कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, आपको पता है ब्रांड ऑलवेज एक्सपेंसिव। ब्रांड से जो भी आप चीज़ लेते हैं वो होती अच्छी है लेकिन होती हमेशा एक्सपेंसिव है। तो देखिए बच्चे मेरे ये बैठ चुके हैं। हाँ शीर, मैं और अनाया। अनाया रुक रुक, अब तुम रोई ना। ये कहती है कि मैंने ना वो लेनी है बबल्स, तो मैं भी इसको ले कर देती हूँ। मैं तो भी अपनी कॉफ़ी लेने लगी हूँ। हाँ जो चॉकलेट देख सकते हैं आप, ये खाने पीने की चीज़ है। ये देखे सबसे बड़ा नोटेला, ये जो आप सॉसेस में डाल के देते हैं ना, यू सी सही है। हाँ जी, तो काफ़ी बन रही है अभी। ओके, इसको देखिए ये अब नाराज़ होकर बैठी है, कहती मैंने कॉफ़ी आप पियो, मैं नहीं, मैं स्मार्ट बबल्स लूँगी। इसने बबल्स वाला जूस लेना है, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ ये कौन सा पीती है। व्यूअर से बात नहीं करोगी, एंग्री? व्हाई आर यू एंग्री? ओके, आई गिव यू बबल्स, आई प्रॉमिस। अभी मम्मा इधर से कॉफ़ी पी लेना, उसके बाद हम चलेंगे बबल्स लेने। ओके, यस। अच्छा आप इधर क्या करने आए, आपने झूले ले लिए सब बनाया? यू कैन यू टेक ऑल द झूलर्स। अभी मेरी कॉफ़ी बन रही है, अभी आ रही है। विच चेयर? ओके, दिस वन। हाँ जी, ये देखो मेरी कॉफ़ी आ चुकी है। आई लव कॉफी, कोशे ओपन द शुगर एंड पुट इन माय कॉफी। हाँ जी, ये देखिए हम चिकन अब फ्राई कर रहे हैं, उसके बाद हम पालक हमने ग्राइंड कर लिया, तो अब हम इसमें डालेंगे तो फिर हमारी हांडी तैयार हो जाएगी। इसमें हमने प्याज डाला, टमाटर डालना है, सब्ज़ मिर्च डालनी है। अभी क्या डालने लगी? हाँ, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, तो जब ये बनेगी तो बहुत मज़े की हो जाएगी। हाँ जी, अभी हम इसमें पालक ऐड कर रहे हैं, अभी नहीं लगा, लगना है अभी। अभी हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। पानी पड़ा जी, वे सूप। ये देखें, हाँ जी, तो ये मज़े की पालक बन चुकी है। ये देखें चावल बना रहे हैं, चावल बन रहे हैं और बहुत मज़े के हैं। यमी यमी यमी। रोटियां बना के हम खा चुके हैं। ये देखें गया निकल, ये देखे बारिश हो रही है हल्की हल्की, तो अभी हम घर जाने लगे हैं क्योंकि काफ़ी रात हो गई है तो ठंड बहुत बढ़ रही है। ओके, आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। हाँ, बाकी देखिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, एंड थैंक यू।